ईडीएस का मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है। पानी में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और अशुद्धियाँ होती हैं उसको मापने का एक तरीका होता है, इसको टीडीएस कहते हैं। टीडीएस मापने की यूनिट पीपीएम में होती है, पार्ट पर मिलियन। तो अगर पानी का टीडीएस जीरो है तो इसका मतलब है कि पानी तो प्योर है, हम पी सकते हैं, लेकिन हेल्थी नहीं है, इसमें मिनरल बिल्कुल नहीं है, ना इसमें ताकत है। तो जीरो टीडीएस का पानी डिस्टिल वाटर होता है। तो आरओ मेम्ब्रेन में जो साफ पानी निकलता है उसमें टीडीएस की कमी आ जाती है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, टीडीएस बढ़ाने के लिए, मेम्ब्रेन हाउसिंग के इनलेट से जो टीडीएस हाई टीडीएस होता है उसको मेम्ब्रेन से निकला हुआ लो टीडीएस का जो साफ पानी होता है उसके साथ बाईपास करके टीडीएस कंट्रोलर से मिक्स किया जाता है, जहाँ हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में मिक्स किया जाता है। तो इसको टीडीएस कंट्रोलर कहते हैं। पीएच वैल्यू क्या है? पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये पानी में मौजूद हाइड्रोजन की पावर को दर्शाता है। तो पीएच वैल्यू 1 से 4 तक की होती है। 1 से 7 तक का पानी एसिडिक होता है, जो कि पीने योग्य नहीं होता। 7 से 14 पीएच का पानी एल्कलाइन होता है। तो इसमें 7 से 8.5 के बीच का पानी सबसे अच्छा और पीने योग्य होता है। पीएच को आसानी से समझने के लिए, जितने भी खाद्य पदार्थ हमें नेचर ने दिए हैं ये सभी एल्कलाइन हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो हमें ये लाभ देते हैं। और जितने भी इंसान ने अपने टेस्ट के लिए फास्ट फूड, जैसे कि फास्ट फूड तैयार किए हैं, ये सभी एसिडिक हैं, इसका हमारे शरीर को नुकसान होता है। पीएच वैल्यू को मापने के लिए पीएच मीटर के साथ मापा जा सकता है, या लिक्विड में पीएच टेस्ट किट आती है। तो पीएच टेस्ट किट की कुछ बूंदें पानी में डालने से पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो इस कलर को पीएच वैल्यू चार्ट के साथ मैच किया जाता है। तो इस चार्ट के 14 कलर होते हैं। तो ये चार्ट पानी की क्वालिटी बताता है। आरओ मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप के ऊपर उसकी कैपेसिटी जीपीडी में लिखी होती है। तो जीपीडी क्या है? जीपीडी का मतलब गैलन पर डे होता है। जैसे कि 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन एक दिन या 24 घंटों में काम करे तो 80 गैलन साफ पानी देती है। अगर 150 की एक दिन में काम करे तो 150 गैलन पानी देती है। तो 1 गैलन यूएस के मुताबिक 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो 80 जीपीडी की एक मेम्ब्रेन एक दिन में 80 × 3.785 तो इक्वल टू 302 लीटर साफ पानी देगी। 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन एक घंटे में कितना पानी देगी? तो 302/24 इक्वल टू 12.5 लीटर साफ पानी देती है। तो मेम्ब्रेन और वाटर पंप का आपस में संबंध होता है। मेम्ब्रेन के मुताबिक ही बूस्टर पंप को लगाया जाता है। तो अगर मेम्ब्रेन 80 जीपीडी की है तो बूस्टर पंप भी 80 जीपीडी का ही होना चाहिए। अगर 100 जीपीडी की है तो पंप भी 100 जीपीडी का होना चाहिए।